मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चे आप कर रहे सी एस ब्लॉक एंड अज आप ने एस ब्लॉक का लास्ट लैक्चर करके इस चैप्टर नू वाइंड अप करना है। ठीक है, सो कल आप डिस्कस किए सी कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप टू, जिमें कि मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एटसेट्रा। ठीक है, अपने को एक दो कंपाउंड्स बचे हुए हैं जेडे कि अज आप ने डिस्कस करने हैं। एक कंपाउंड है सीमेंट एंड दूसरा जिसनों अपने डिस्कस करना है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसनों अपन कहने हैं मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, स्लेक लाइम भी बोल देने हैं। ठीक है, सो पहला आप डिस्कस करेंगे बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो CaOH होल ट्वाइस। सो बच्चे बिल्कुल एक कॉमनली यूज्ड कंपाउंड है। ठीक है, चीपली एज वेल एज इजीली अवेलेबल। सो ध्यान नाल करना है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना, पहला मैं सुनू दसदा अगेन कल की तरह कि हाउ डू यू प्रिपेयर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एक चीज वैसे ही ध्यान च रखियो, सुनो मैं पहला भी दस चुकिया, एक बार फिर दस रहे हैं कि जेडे कैल्शियम के कंपाउंड होंगे ने, चाहे वह ऑक्साइड है, चाहे हाइड्रोक्साइड है, चाहे क्लोराइड है, दे आर यूज एज डीहाइड्रेटिंग एजेंट्स। ठीक है ना, सो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दे ऑल आर डीहाइड्रेटिंग एजेंट्स। चलो आप यूजेस दे विच करांगे भी, बट मैं जस्ट वैसे ही सुनो एक बार स्पेसिफाई किया। हुण देखो पहला प्रेपरेशंस। सो बेसिकली आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नो सिंपलेस्ट वे होंगे है, आप लाइम लेने हैं, उसको वाटर च पाने हैं। सो आप पहले ही कर चुके कि अगर मेटल दे ऑक्साइड्स नो आप वाटर देवांगे तो विल गेट हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, जिहड़ा एक कंपाउंड बन गया दिस इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम और वी ऑल्सो कॉल इट मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, हुण देखो ना जिहड़ा एक कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, आपां नूं इह कित्थों मिलदा है, जस्ट वैसे एक बार मैं दस रहे हैं कि अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट होंदा है। कैल्शियम कार्बोनेट नूं आपां हीट करदे आं, आपां पहले ही कह चुके नियरली 1270 केल्विन ते, एंड इट ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, ये रिएक्शन आपां ने कदों कीती सी, जदों आपां ने कहा सीगा कि लीडियम दा कार्बोनेट इज अनस्टेबल। ठीक है, बेरिलियम कार्बोनेट एंड लीडियम कार्बोनेट, मतलब वो लीडियम कार्बोनेट हल्का जिहा वार्म करन ते ब्रेक डाउन हो जांदा है, ते बेरिलियम दा कार्बोनेट तां हुंदा ही अनस्टेबल है। And that is why it is kept in an atmosphere of CO2. याद है ना? So trick दो बच्चा ने question कल doubt ते तौर ते भी पूछा सी। ठीक है? So देखो, ऐथो जिहड़ा calcium oxide बन गया, आपां उसनूं water नाल treat करदे हैं, and we get slaked lime. ठीक है? Now, this reaction is highly, highly, highly exothermic. So the reaction is highly exothermic and jehda solution hai it starts boiling, ublan lag janda bache, eda tusi observe bhi kar sakde ho. Chalo khair, hun ajj kal ta apa gharan ch white washing karwande hi nahi, apa paints karwan lage. Tusi sunya hoga often hana ki apa kehne ki apa during jehde major apne festivals hai, Diwali, Gurpurab vagera, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਉਹ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਰਫੁਲ ਪੇਂਟਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕ ਐਸੇਜ਼ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਔਨ ਓਕੇਜ਼ਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲਸ people clean their homes and get them whitewashed. Oh, whitewashing ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੀ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨਸ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਲਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पेंट तैयार हो जाता है जो आप दीवारों पर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज वाइट वॉशिंग, स्लेक लाइन, मिल्क ऑफ लाइन। तो तुसी कदे भी ऑब्जर्व करियो जदों ये चीज़ हो रही होवे, है ना, तुसी
थोड़ा जा लाइम लिया के पानी च पा दियो ते पानी ना बच्चे बॉयल करन लग जूगा उबलन लग जूगा ए वड़े वड़े लंप्स च मिलता है आई नहीं कि पाउडर दी फॉर्म च मतलब रॉ फॉर्म च मिलता है मतलब लंप्स दी फॉर्म च डलियां दी फॉर्म च ते जो तुसी उस डलियां नूं लिया के पानी च सिटोगे ठीक है द वॉटर विल स्टार्ट बॉयलिंग सो इट प्रूव्स कि द रिएक्शन इज हाईली 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 एक्सोथर्मिक ठीक है ना एंड दूसरी प्रेपरेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की की होती है आपा कैल्शियम क्लोराइड लवांगे ठीक है उसनु आपा ट्रीट करांगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है एक्सेस दे विच सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद का बना लूंगा सॉल्ट NaCl and calcium chloride, sorry, calcium hydroxide will move out. Clear? So, a second preparation hai of calcium hydroxide. Clear, bache? ठीक है ना? So, अपन calcium hydroxide नू कितना prepare करते हैं? यहाँ तक calcium oxide नू hydrate करके पानी ना treat करके वो पानी absorb ऐसे देखो, उन्हें बड़ा easily पानी absorb कर लिया, तो calcium hydroxide बन गया. That is why they are used as dehydrating agents. ठीक है ना? दूसरा वे अपा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्ट लिया उस दे विच NaOH पाता NaOH पाके अपने को NaOH का सॉल्ट बन गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आउट हो गया ठीक है सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाउ वी शैल डिस्कस सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बच्चे So now we shall discuss some of its important properties. So देखो सब तो पहला reaction with CO2 very important. आप आए discuss कर चुके हैं already, ठीक है? Just मैं सब revise करवा रहे हैं. देखो आप आने की कितना सी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नो अगर आप CO2 ना ट्रीट करांगे तो ऑफ कोर्स देखो एक बेस है कार्बन एक नॉन मेटल है तेरा ऑक्साइड की होगा एसिडिक दोनों मिलके सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट की होंगे बच्चे व्हाइट कलर दे प्रिसिपिटेट्स एंड दैट इज व्हाई आप कहने हैं कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की मेरी गल समझ आ गई ना ठीक है ना आप कहते हैं ना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होंगे बच्चे ये ठीक है याद रखना है कि किसी बीकर दे विच देखो हुन CO2 का कोई कलर नहीं होंगे एक अपने को जार है उस जार दे विच CO2 है तो मैं सानू क्वेश्चन पूछने हैं कि प्रूव करो कि दे विच CO2 है आम हवा नहीं है ठीक है तुसी विच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाओगे जे उसका कलर वाइट हो गया तो इट मीनस इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CO2 ठीक है तो CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की पर At the same time, आपा कहने हैं कि अगर तुसी ओदे विच CO2 पास कर नहीं रहो, ता जेड़ा वाइट कलर है, वो डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, insoluble white PPT, that gets converted into soluble calcium bicarbonate, ठीक है? जदों ये सॉल्युबल होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, कोई कलर नहीं होगा, सो जेडी वाइटनेस आई सी ओ हॉली 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 खत्म हो जाएगी सो बच्चे ध्यान च रखना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की हाउएवर द वाइटनेस स्लोली डिसअपीयर्स द मिल्कीनेस स्लोली डिसअपीयर्स बिकॉज द मिल्कीनेस स्लोली डिसअपीयर्स इफ CO2 इज प्रेजेंट इन एक्सेस बिकॉज द कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच इज अ वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल गेट्स कन्वर्टेड इनटू colorless soluble calcium bicarbonate clear very 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 important अच्छा याद रखना है अगर यही अपन को रिएक्शन आंदी है अच्छा सॉरी एक चीज और तो यही सेम क्वेश्चन मैं सुनो पहला भी दस चुका एंड आपा फिर करांगे जब आपा पी ब्लॉक करांगे मतलब कार्बन फैमिली को केदच कार्बन भी है देखो ठीक है ना जब आपा कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ांगे तो यही चीज आपा कहने होने हैं कि इज रिस्पांसिबल फॉर The disappearance of whiteness of Taj Mahal. ठीक है ना आप कहने ना कि जो Taj Mahal है due to acid rain उसकी जो whiteness है वो हॉली 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 धुंधली होती जा रही है और reason की है कि Taj Mahal किस तो बनाया हुआ है सारा white marble limestone
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਐਂਡ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ CO2 ਉਹ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੰਟੂ ਸੋਲਿਬਲ ਬਾਇਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਸਾਰਾ ਮਾਰਬਲ ਖੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਈਟਨੈਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਰਮ ਸਟੋਨ ਲੈਪਰਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੈਪਰਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਹੜ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਗਲ ਕੇ ਹੌਲੀ 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 ਉਤਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਸਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਲੁਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਸਟਾਰਟਸ ਫੀਲਿੰਗ ਸ਼ਾਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਲੈਪਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਹੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਹੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਹੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸਕਿਨ ਬੱਚੇ ਗੰਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਤਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟੋਨ ਲੈਪਰਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਸਟੋਨ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ ਸੋ ਡਿਟੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ CO2 ਲਿਖਿਆ ਬਸ ਉੱਥੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆ ਜਾਊਗੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲਫਿਊਰਸ ਐਸਿਡ H2SO3 ਸੋ ਉਸਦਾ ਸਾਲਟ ਬਣੂਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫਾਈਡ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਪੀਪੀਟੀ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੀਪੀਟੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਬਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਸਲਫਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਸਲਫਾਈਡ ਵਿਚ ਇਜ ਸੋਲਿਬਲ ਕਲੀਅਰ ਡਨ ਨਾਓ We'll move on to the next property. So next property is reaction with chlorine, bache. Reaction with chlorine. And this is important also. Apanu plus 2 ch bhi aaugi jadon apan chlorine karange. Apanu plus 2 ch bhi aaugi jadon apan chlorine karange. But ek baar suno, theek hai? So likho lo dekh. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਕਲੋਰੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਸੁਣ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸੋ ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਕਲੋਰੀਨ ਇਜ਼ ਅ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸ ਤਾਂ ਸਾਲਟ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਬਟ ਇੱਕ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਰਜਨ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜਾਂ ਰਫ ਕਾਲਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HCl ਬਣਦਾ H ਤੇ Cl ਦੂਜਾ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ OH ਤੇ Cl ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HOCl ਬਣਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਸ ਐਸਿਡ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਸ ਐਸਿਡ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ 1 ਚ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ NaOH ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਐਸਿਡਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ ਐਸਿਡ ਤੇ ਬੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਲਟ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਸੋ ਦੇਖੋ
हुन मेरे को प्रोडक्ट की होगा सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड की जगह पे सोडियम क्लोराइड और हाइपोक्लोरस एसिड की जगह पे सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl भी लिख सकते हो जो मर्जी लिख लो, यू गेटिंग अ पॉइंट। हाइपोक्लोरस एसिड तो उदा सॉल्ट बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो उदा सॉल्ट बन गया, प्लस वाटर बन गया। क्लियर नाउ? सो कोरिलेट करो, उठी आ गया अपना क्लोरीन है तो एक बेस है, सो एक बन जूगा क्लोराइड, ठीक है, एक बन जूगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ते नाल बन जूगा वाटर। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी दे विचों एक एक्टिव कंपोनेंट बनता हुंदा है जिसनूं आपां कहिंदे आं ब्लीचिंग पाउडर। वैसे बच्चे ब्लीचिंग पाउडर कदों बनता है? जदों इह एक ऑक्सीजन अपनी रिलीज कर दिंदा है। देखो इहदे कोल की है, एक कैल्शियम, दो ऑक्सीजन्स, दो क्लोरीन्स। एक ऑक्सीजन जदों रिलीज हो जूगी दैट इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर दा एक्चुअल फॉर्मूला हुंदा है CaO Cl2, ठीक है, यू गेटिंग अ पॉइंट। बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर ए नहीं हैगा, ए उदा एक्टिव कंपोनेंट है जिन्हें एक्शन करना है। ब्लीचिंग पाउडर का एग्जैक्ट फॉर्मूला की हुंदा है, हुन ध्यान नाल देखो, आ जिहड़े कंपोनेंट्स अपने कोल बन गए, ठीक है, ये सारे मिलके जिहड़े आपां मार्केट चो ब्लीचिंग पाउडर लेके आईए तो उदा कंपोजिशन पता की होगा? उदा कंपोजिशन ए नहीं होगा, ए तो जिन्हें एक्शन करना है वो है, ठीक है ना। हाँ जी, हुन देखो ब्लीचिंग पाउडर का एग्जैक्ट फॉर्मूला, कैल्शियम क्लोराइड डॉट कैल्शियम हाइपोक्लोराइड डॉट बचिया खुचिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डॉट, ठीक है, तीनों कंपोनेंट डॉट दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो दिस इज द एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ते इहदे विचों जिन्हें एक्शन करना है दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इहनू आपां बोलदे हां बच्चे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। गल नूं ध्यान नाल समझो, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डॉट दो वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस इज द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बट द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर बच्चे, ठीक है ना। अपन नाल नाल ही वैसे इस दिया यूजेस तो अपन कर ही चुके हैं, बट स्टिल अपन फिर भी वन बाय वन सारिया यूजेस डिस्कस करते हैं कि कितने कितने यूज होता है बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड कह लो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह लो, ठीक है। सो देखो, सो यूजेस बच्चे नंबर वन, सो एक तो अपने हने हने किया प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सो ब्लीचिंग पाउडर नो प्रिपेयर करने के काम आता है। नंबर टू, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ CO2, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, सो CO2 नो डिटेक्ट करने के काम आता है। They are very good dehydrating agents. ठीक है, to neutralize acidity. So they are bases. So they are used to neutralize acidity. बच्चे, number five, preparation of glass. ठीक है, ग्लास नू प्रिपेयर करने दे काम आता है। ग्लास बेसिकली की हुंदा है? ग्लास हुंदे ने एल्यूमीनियम सिलिकेट्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, सोडियम एल्यूमीनियम सिलिकेट, पोटेशियम एल्यूमीनियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमीनियम सिलिकेट, सो प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, ठीक है। एंड फाइनली आप ऑर्गेनिक च करांगे, इस रिएक्शन नू तुसीं इत्थे बेफिक्र होके छड्ड भी सकदे हो, ठीक है, क्योंकि आपां नू ऑर्गेनिक च चंगी तरह आऊगी ही। जिहड़े कार्बोक्सिलिक एसिड्स हुंदे ने, तो सुनया होगा RCOOH,
ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ CO2 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਐਂਡ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ R ਐਂਡ H। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ R ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਲਵਾਂ CH3 ਤਾਂ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਿਆ, CH3 ਤੇ H ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੀਥੇਨ। So they are used for the preparation of alkanes from carboxylic acids. Clear? चलो एवला पार्ट तो सिर्फ छड़ सकते हो क्योंकि आप इधर ऑर्गेनिक करांगे, आप ये चंगी तरह डिस्कस करांगे बच्चे। Clear? So this is about calcium hydroxide. एना तुसी एक बार करके नोट्स जो चंगी तरह रीड आउट कर लेना बच्चे। This is a very 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 important compound of calcium. सो बच्चे नेक्स्ट कंपाउंड जो आपने डिस्कस करना है दैट इज सीमेंट। ठीक है, सो प्रैक्टिकल कंपाउंड है बच्चे, डेली लाइफ च आप यूज करते हैं, यूज्ड एवरीवेयर। ठीक है ना, सो हम ध्यान नाल सुन लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सीमेंट दे ऑलरेडी जॉट डाउन करते बोर्ड ते। ठीक है, तुसी नोट्स जो रीड आउट कर लेने हैं। हम सुनो बच्चे, जो बेसिकली सीमेंट आप लेके आने हैं, ठीक है ना, दैट सीमेंट कंसिस्ट्स ऑफ mainly three types of substances. Pehle calcareous substances which consist of calcium compounds like calcium oxide, hydroxide, calcium carbonate. Dusre hunde ne argillaceous substances jisde vich aa janda apna silica, jinu apan reta vi bolde aa punjabi ch, and aluminum oxide jinu apan briti bol dinne aa bacche punjabi ch. Theek hai na, matlab normally bachyan nu ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਜਿਪਸਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਪਸਮ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮੈਂਟ। ਇਫ ਯੂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਉੱਥੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਿਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਇੱਕ ਜਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੌਕਸ ਆਰ ਵੈਰੀ 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 ਹਾਰਡ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਇਨ ਯੂਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੌਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ 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 ਹਾਰਡ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਹਾਰਡ ਐਜ਼ ਦ ਟਾਈਲਸ ਸੋਰੀ ਦ ਰੌਕਸ ਆਫ ਪੋਰਟਲੈਂਡ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੈਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਐਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ, ਕੋਈ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਟ ਸਟੈਂਡਸ ਫੋਰ ਸਟਰੈਂਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਐਜ਼ ਦ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਹਾਰਡ ਐਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਐਜ਼ ਦ ਰੌਕਸ ਆਫ ਪੋਰਟਲੈਂਡ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਅਲੀ ਕੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਮ, ਲਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 50-60%, ਸਿਲਿਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ 20-25%, ਐਲੂਮੀਨਾ Al2O3 ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 5-10%, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ 2-3%, ਐਂਡ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ Fe2O3 ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 2-3%। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜੋ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬੈਸਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿਕਾ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨਾ, ਜੋ ਸਿਲਿਕਾ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 2.5:4। ਮਤਲਬ ਐਲੂਮੀਨਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਟਲੀਸਟ 2.5 ਟਾਈਮਸ
एज सिलिका, ठीक है ना, सॉरी सिलिका शुड बी एटलीस्ट 2.5 टाइम्स एज एलुमिना। हूं जिम्मे देखो इतने एलुमिना 10% लिखे है मैंने, 10 × 2.5 कितना होता है 25, सो 25%, ठीक है ना। बट यस कॉम्पोजिशन वेरी कर रहे हैं, एंड तुम तो पता होगा कि जो एक फ्लाई ऐश होती है, एक कॉम्पोनेंट होता है फ्लाई ऐश, बेसिकली फ्लाई ऐश की होती है, ऐश की होती है स्वाह, है ना, मतलब किसी चीज को बर्न करने तो बाद जी आप एशिज बचदी ने, है ना। तो देखो उसनों भी तुम सीमेंट के मिक्स कर सकते हो, ठीक है, कॉस्ट घट जाता है तो वो क्वालिटी के उपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एंड क्लासिकल एग्जाम्पल इस कि अपने बठिंडा के देखो थर्मल पार लग्या हुआ सो थर्मल पार दे एनी एनी ऐश बचती सी, ठीक है, उस ऐश नू आपां सीमेंट दे विच मिक्स करके सीमेंट बना सकते सी, ते उस दे नाल की है बच्चे कॉस्ट कटिंग हो जाती है। बट यस कि आपां नू जिहड़ी फ्लाई ऐश है उसकी मात्रा इन्नी ज्यादा ना कर दी है आपां कि सीमेंट घट जाए तो ऐश बच जाए, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द कॉम्पोजिशन, एक आइडियल कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। हुण देखो बच्चे uses, हुण सीमेंट कित्थे कित्थे यूज हुंदा है आपां नूं सब नूं पता है। नंबर वन इन द प्रेपरेशन ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट सानूं पता होएगा ना जदों आपां पिलर्स खड़े करदे हैं, ठीक है ना, तुस देखा होगा उहदे विच की कीता जांदा है सीमेंट रेता ब्रेती एंड बजरी उह सब मिक्स करके पानी पा के, ठीक है ना, एक सोल्यूशन बना के आपां उह पिलर्स दे जिहड़े सांचे लगे हुंदे ने लोहे दे उहदे विच पाई जांदे आ, है ना, दो तीन दिन ड्राई हो जाते हैं तो उसके बाद आप सांचा खोल देने तो पिलर तैयार हो जाता है। सो जिहड़े वो सीमेंट प्लस रेता प्लस बजरी प्लस वाटर मिक्स करके जो बन जाता है दैट इज नोन एज कॉन्क्रीट, एंड इट इज फार 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 स्ट्रोंगर, एंड वो कभी टुटता भी नहीं है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू, बल्कि जिहड़ा मतलब अपनी बिल्डिंग्स होंदियां ने वो कॉन्क्रीट के सिर ते ही खड़िया होंदियां बच्चे, ठीक है ना। सो टोटल कॉन्क्रीट नाउ, so it is used in the preparation of concrete. Number two, plastering. आपने देखी है अपने घर च bricks दे घर बनते हैं उस तो बाद उपर cement का layer बन जाता है ना, plaster जिन्हों आप कहने कि plaster करता फिर वो उपर आप painting कर देते हैं, ठीक है ना। so it is used for plastering. it is used for the construction of tunnels, dams, etc. बढ़िया बढ़िया buildings, tunnels, dams, homes, इंडस्ट्रीज सब आप बच्चे सीमेंट की हेल्प नाल ही बनाने हैं। अच्छा मेनली जी फ्लाई ऐश होंगी है ना वो इतनी यूज होंगी है, ठीक है ना, क्योंकि देखो बच्चे जो किसी ने अपना घर बनाना है तो ही विल यूज द बेस्ट ऑफ द मटीरियल, क्योंकि उन्हें कड़ा हर तीसरे दिन घर बनाना होंगे। बट यस जिते गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनती ने, डैम्स बनते हैं, टनल्स बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं रोड्स के उपर, उत्थे फ्लाई ऐश मिक्स होंगी है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो इसे करके कदे कदे फ्लाई ऐश की मात्रा इन्नी ज्यादा बढ़ जाती है कि ज्यादा देर कटता ही नहीं गा, ठीक है ना, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। सो टनल्स एंड डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड। अच्छा बच्चे एक चीज ध्यान च रखनी है, आप जो प्लास्टरिंग करते हैं आप प्लास्टर करता, ठीक है, उस तो बाद जो सीमेंट सैट होंगे है ना, मतलब आप देखते ना कि एक बार आपने वैट करके उसको प्लास्टर करता उस तो बाद जो जम जाता है ईजीली तो रिमूव ही नहीं कर सकते, है ना, दैट इज कॉल्ड सैटिंग ऑफ सीमेंट। तो जो सीमेंट सैट होंगे तो वो 3D लिंकेजेस बन जाते हैं किदे किदे सिलिका ऑक्सीजन एलुमिना अगेन ऑक्सीजन सिलिका एक्सेट्रा। सो 3D लिंकेजेस डेवलप, ठीक है ना, एंड दैट इज नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ सीमेंट। सो जो सीमेंट सैट होंगे अपने को 3D क्रॉस लिंकेजेस बन जाते हैं ऑफ सिलिका ऑक्सीजन एलुमिना अगेन ऑक्सीजन सिलिका एलुमिना एटसेट्रा, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द सेटिंग ऑफ सीमेंट यूजेस ते उसका कंस्ट्रक्शन सॉरी कॉम्पोजिशन, ठीक है बच्चे। सो इस चंगी तरह पढ़ लेना है, फर्स्टली ये नोट्स बना लो एंड दैन गो थ्रू द नोट्स या बुक इटसेल्फ, ठीक है बच्चे। सो दिस कंप्लीट्स फुली कंप्लीट्स योर एस ब्लॉक। सो अपने एक चैप्टर होर कंप्लीट कर लिया टुडे। सो बच्चे टुडे इट इज मंडे एंड टुमोरो देर विल बी अ टेस्ट फ्रॉम ग्रुप 2 दैट इज ऑन ट्यूजडे।
सो वेंसडे नो बच्चे आप स्टार्ट करेंगे योर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज पी ब्लॉक एंड एज आई टोल्ड यू यू विल बी अ गिवन अ रिवीजन असाइनमेंट ऑफ एमसीक्यूज बेस्ड अपॉन कंप्लीट एस ब्लॉक ठीक है ना सो तुसी कल एक बार मतलब असाइनमेंट मिलन तो पहला पहला टुडे एंड टुमोरो एक बार अपना ग्रुप वन भी रिवाइज कर लियो ठीक है ते कल टेस्ट बच्चे तैयार करना स्टार्ट कर दो ठीक है ना प्रिपेयर वेरी वेल ठीक है ना मैनू पता है कि जी इनऑर्गेनिक है इट सीम्स ईजी जो मैं पढ़ा रहा बट जो लिखोंगे इट्स नॉट दैट ईजी क्योंकि इस दे विच अंडरस्टैंडिंग दे नाल नाल क्रैमिंग इज ऑलसो इनवॉल्व ठीक है बच्चे जो पी ब्लॉक है उस पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा द रीजन बीइंग कि जो बोरॉन फैमिली है वो तो है ही छोटी जी कार्बन फैमिली के जेडे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम मतलब कैल्शियम कार्बाइड वगैरह वो आप पार्टली कितने ना कितने डिस्कस कर लेने हैं ठीक है सो कल सुधर टेस्ट होगा फ्रॉम एस ब्लॉक द ग्रुप टू ओनली ग्रुप वन का टेस्ट हो चुके हैं सो टुमारो विल बी द टेस्ट फ्रॉम ग्रुप टू ठीक है एंड परसों सो ग्रुप वन एंड ग्रुप टू की मैं एक रिविजन असाइनमेंट दूंगा बेस्ड अपॉन एमसीक्यूज सो बच्चे कीप स्टडिंग कीप रिवाइजिंग एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ थैंक्स